क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन सुपर ग्लॉसी हो जाए, यानी कि इतनी स्मूथ हो जाए कि जरा सी लाइट पड़े और वो लाइट रिफ्लेक्ट करने लगे, और वो भी मेकअप के बगैर? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब की पूरी लवली फैमिली जो है वो बहुत खुश होगी, मज़े में होगी, मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रही होगी। थैंक यू सो मच, आप को वाकई में इतना इंतज़ार होता है मेरी वीडियोस का। कमेंट्स पढ़ती हूँ कि गजल जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करें, आपकी वीडियो आती है तो बस हमें लगता है कि जल्दी से हम उसको देखें। और थैंक यू सो मच, आप लाइक भी करते हैं वीडियोस को और शेयर करते हैं, और आप ही की वजह से ये यूट्यूब की जो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर इस यूट्यूब की लवली फैमिली का आप भी हिस्सा बनना चाहें तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को जो है क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स देखे वो वीडियो। ठीक है जी। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो वैसे तो मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की वीडियोस होती हैं मेरे इस चैनल पर, ट्रैवलॉग्स भी देखते हैं आप, ब्यूटी, फैशन, फूड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मज़े की चीज़ें होती हैं। और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आता है कि आज गज़ल की अपलोड करेगी, एक सरप्राइज़ है। तो ज़रा अच्छा ये एलिमेंट रहना चाहिए, क्योंकि वरना तो मैं भी बोर हो जाऊँगी, आप भी बोर हो जाएंगे, क्या ख्याल है, एक ही तरह की चीज़ें देख के, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मज़ा आता है। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है उसमें जो मेरे रेमेडीज़, जो मैजिकल रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ उनके जो लवर्स हैं, आज उनके लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो है। क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने शेयर की आपके साथ, जिसको आपने अगेन बहुत पसंद किया, सो नाइस ऑफ यू, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने शेयर किया उस वीडियो को, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दुल्हनों के हवाले से, ब्राइड्स के हवाले से, जिनकी शादी होने वाली है या जो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाह रही हैं जो ख़वातीन, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, वो ज़रूर देखनी चाहिए हर किसी को। क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, आप उसको गाइड कर सकते हैं, या आप में से कोई अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहे तो वो सेफ़ और हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ कैसे जाया जाए, उसमें बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने हमें टिप्स दी थी। तो वीडियो नज़र आ रही है, लिंक भी मैं शेयर कर लेती हूँ, और उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उस वीडियो में जो है मुझे कुछ मज़े के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि गज़ल आपकी स्किन इतनी शाइन कर रही थी, इतनी ग्लो कर रही थी, सुपर ग्लोसी स्किन लग रही थी, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वजह ये है कि उससे पहले मैंने अपनी ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर ग्लॉसी ट्रीटमेंट स्किन की, वो की थी, दो तीन दफ़ा की थी, तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी फरमाइश पर अगेन उन सब लोगों के लिए जो सुपर ग्लॉसी स्किन चाहते हैं। अच्छा, वैसे स्किन कैसी भी हो ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चला करें, क्योंकि स्किन कॉम्प्लेक्शन ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती हैं। हाँ, ये और बात है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से वो स्किन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि फिर वो ज़्यादा ग्लो नहीं करती है। तो आज की जो मैं ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर ग्लॉसी स्किन की, वो आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने जा रही है। क्योंकि जब तक कि आपकी स्किन स्मूथ नहीं होगी, उन पर ये ब्राउन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, स्कार्स, पिंपल्स वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगे, तभी वो ग्लॉसी स्किन की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा हम फ्लोर देखते हैं ना, कुछ फ्लोर्स होते हैं ऐसे चमकते हुए टाइल्स उसमें लगे हुए होते हैं, सुपर ग्लॉसी टाइल्स होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करने लगती है लाइट। बिल्कुल इसी तरह से मेकअप के अंदर जो स्किन होती है हमारी, वो एक्चुअली इतनी स्मूथ हो कि वो कुछ भी आप लगाएं तो उस पर आपका एक ग्लॉसी एक लुक दे। इनफैक्ट मैं तो जो आज ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें तो मेकअप लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, बगैर मेकअप के आपकी स्किन जो है ना इतनी ग्लो करेगी, सुपर ग्लोइंग स्किन। क्योंकि ये आपके फेस से निशानात दूर करने जा रही है ये ट्रीटमेंट, आपके टोन को इवन रखेगी, स्किन के टोन को एक हेल्दियर, एक ग्लोइंग सा एक लुक देगी आपकी स्किन पर, और एक दो दफ़ा के ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन सुपर ग्लो करेगी। ठीक है जी, तो अब जल्दी जल्दी से चलते हैं और आपको बताती हूँ मैं कि क्या है ये ट्रीटमेंट। जैसे सबसे पहले आपने कंटेनर ले लीजिए साफ सुथरा, उसके अंदर नीम का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कीजिए, नीम जो नीम के दरख्त होते हैं उसका पाउडर, उसके पत्तों का पाउडर बेसिकली, तो वो बाज़ार में भी मिल जाता है आपको, स्टोर्स पर बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाता है। अगर आपको कहीं ना मिले, जो कि आराम से मिल जाते हैं, लेकिन इन केस अगर आप खुद से बनाना चाहें तो नीम के दरख्त हमारे पास भरे हुए होते हैं, नीम के दरख्त के पत्ते लीजिए, उनको पीस लीजिए फाइन, उनको सुखा के और वो पाउडर बना लीजिए। तो 1 टीस्पून नीम के पाउडर का आपको चाहिए, क्योंकि नीम के पाउडर के अंदर जो पत्ते होते हैं उनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे फेस पर ब्रेकआउट्स होते हैं, पिम्पल्स होते हैं, जो दाने वगैरह निकलते हैं
उनको बहुत हद तक रोकते हैं, वो नहीं निकलेंगे. तो वो जब होंगे ही नहीं तो निशानात भी नहीं होंगे ज़ाहिर है. उसके अलावा आप इसमें ऐड करें बेसन यानी चिकपी पाउडर, वो एक टीस्पून डालिए इस कंटेनर में. चिकपी पाउडर जो हमारे फेस से दाग धब्बों को रिमूव करता है, बेसन और हमारी जो टोन होती है स्किन की उसको इवन रखता है. और इसके अलावा बीट रूट पाउडर यानी कि लाल चुकंदर का पाउडर बहुत इजीली बाज़ार से मिल जाता है, वो ले लीजिए एक टीस्पून, वो ऐड कीजिए. जो बीट रूट पाउडर है वो आपके कॉम्प्लेक्शन को एक हेल्दियर लुक देगा, एक ग्लो देगा, एक हेल्दियर सा. और इसके अलावा आपने हाफ टी स्पून इसमें ऐड करना है, हल्दी होती है, टर्मरिक. टर्मरिक जो है वो सदियों से जो है हमारी स्किन की खूबसूरती के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं. इसके अंदर भी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ साथ ही दाग धब्बे निशानात, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उन सबको रोकती है. अच्छा, ये पाउडर बना के आप मिक्स करके इस कंटेनर को रख दें. अब ये कंटेनर जो है ये पूरे एक हफ्ते के लिए आपके लिए काफ़ी है, ठीक है. और अब आपने करना ये है कि एक छोटा सा प्याला लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून इस मिक्स पाउडर का ऐड कीजिए. और इसके अंदर अब मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं बताने जा रही हूँ, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो यकीन करें मेरी मदर ख़ुद यही यूज़ करती थी. मेरी मदर मेकअप ज़्यादा करती नहीं थी, वो सिर्फ एक छोटा सा वो उनका रूज होता था, वो एक डॉट इधर लगाती थी, पिंक डॉट इधर लगाती थी और बस यूं कर लेती थी और क्या उनकी स्किन ग्लो करती थी. तो मैंने उनको हमेशा देखा है सिर्फ एक चीज़ लगाते हुए अपने फेस पर, और वो थी बालाई यानी कि मिल्क की क्रीम जो होती है, जो दूध हम बॉईल करते हैं उसमें से क्रीम निकलती है, वो वाली क्रीम. अगर वो क्रीम आपको ना मिले तो आप बाज़ार वाली जो क्रीम आती है थिक वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं. जो मिल्क की जो क्रीम होती है ना, ये एक सुपर ग्लो आपकी स्किन पर देगी और आपकी स्किन को ऐसा बना देगी स्मूथ, और इतना निखार आ जाएगा आपकी स्किन पर आप सोच नहीं सकते. जो महंगे महंगे जो आप सलोन्स में जाके पैसे खर्च करती हैं ना, लिटरली मुझे, मैं भी जब इन नेचुरल चीज़ों से पहले मैंने बड़े पैसे खर्च किए फेशियल वेशियल्स पर, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि माय गॉड ये तो अमेजिंग चीज़ें हैं जिनका हम फ़ायदा ही नहीं उठाते हैं, लिफ्ट भी नहीं कराते हैं उनको, बस थोड़ी सी मेहनत होती है, उसे घबराते हैं बस पता नहीं क्यों. लेकिन फेस पर हम केमिकल्स लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी स्किन को ख़राब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. फिर इस हद तक ख़राब हो जाती है कि आपको फिर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं. तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि हम सेफ़ और जो है ऐसी चीज़ें हम नेचुरल यूज़ करें जो हमारी स्किन पर, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, उनके लिए बहुत आइडियल हैं ये नेचुरल चीज़ें. तो मैंने लेकिन फ्रेश दूध की क्रीम यूज़ की है, वो एक टीस्पून आप ले लीजिए क्रीम, और एक टीस्पून आप रोज़ वाटर. रोज़ वाटर जो है वो स्किन से जो पफिनेस होती है उसको ख़त्म करता है. तो वो रोज़ वाटर अगर आपके पास ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप जो पानी होता है पीने वाला साफ मीठा पानी, वो आप एक टीस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं. अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से बना लीजिए और अब अपना फेस धोना है आपको. फेस धोने के बाद आपने उस गीले फेस पर ही आपने ये पेस्ट लिया और आपने इसको लगाना शुरू किया. हल्के 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 से आपने पूरे फेस पर लगाना है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया है आपका, ब्राउन स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ करना है, लेकिन रगड़ना बिल्कुल नहीं. और एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं कि इस ट्रीटमेंट के साथ आपको कोई और स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये कम्प्लीट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है और आपके स्किन को बहुत स्मूथ बना रही है. तो एक दो मिनट तक आपको हल्के हल्के से मसाज करना है अपने फेस पर, अपने नेक पर, और उसके बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है. फेस वॉश करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैजिकल स्टेप है, और उससे आपकी स्किन पर ज़बरदस्त सा सुपर ग्लो एक आएगा. और वो है कि आपको एक टावल लेना है, बहुत ही सॉफ्ट टावल होना चाहिए. टावल बिल्कुल ही वो नहीं होना चाहिए, रफ़ नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सा टावल होना चाहिए. वो आप ले लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है सॉफ्ट सा. तो उसको गीला कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए पानी से, और उस पर आपने थोड़ा सा लगाना है आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और उससे आपकी स्किन को जैसे एक तरह की जैसे पॉलिशिंग होती है ना, वैसे मुझे वर्ड बड़ा अजीब लगता है शू पॉलिश हो रही है, लेकिन स्किन की बाकायदा पॉलिश हो रही होती है. उससे आपको ये जो दो फिंगर्स है ना, इस ये आपने अंदर रखनी है टॉवल के अंदर, और इसको फिर इस तरह से हल्के हल्के से आपको जैसे आपनी स्किन को पॉलिश करना है. पहली ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी. अच्छा, मैंने जब ये किया था, फर्स्ट टाइम किया था, तो उसके बाद मुझे मेकअप लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इतनी इजीली वो फाउंडेशन जो है वो पूरा स्प्रेड हो रही थी. अच्छा, इस ट्रीटमेंट को आप हर अल्टरनेट डेज भी कीजिएगा,
एक दिन कर लिया एक दिन ब्रेक दीजिए, एक दिन कर लिया एक दिन ब्रेक दीजिए, लेकिन अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिएगा, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइएगा और प्लीज़ नींद पूरी कीजिएगा। नींद जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है अच्छी स्किन के लिए। और पानी का इंटेक रखना है, 8 से 10 ग्लासेस ज़रूर पीना है। ड्राई वेदर है, ज़रूरी नहीं गर्मी में सिर्फ पानी पिया जाता है, ड्राई वेदर में भी बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तो 8 से 10 ग्लासेस पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलें कि आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुले दिल के साथ हमें हमारी तारीफ़ करते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं बेसिकली अगर हम अच्छे लगते हैं तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका दिल नहीं करता हमारी तारीफ़ करने को, लेकिन वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से हमें देख रहे होते हैं कि आज तो बड़ी अच्छी लग रही है स्किन, तो वो भी एक्चुअली साइलेंट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट्स में, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द मिलूँगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अब तक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जो है सबसे पहले देखें, ठीक है। और अब मुझे आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।